आइए हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण पर चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? प्रेक्षण द्वारा कैसे मान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? रासायनिक अभिक्रिया का जब प्रेक्षण लेते हैं और अगर गैस निकल रही हो तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। ताप में परिवर्तन हो रहा हो, ताप कम हो रहा हो, ताप ज्यादा हो रहा हो, तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तन हो रहा हो तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा हो तब भी हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई, या अवस्था परिवर्तन हो रहा हो तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। चलिए सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस के निकलने को समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है। देखिए मेरे पास में यहां ये जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स हैं और मैं इनको यहां परख नली के अंदर ले लेता हूं। ये परख नली है, इसमें मैंने ये ग्रेन्यूल्स लिए हैं और यहां देखिए ये HCl अम्ल मेरे पास में है, तो डाइल्यूट HCl ले लें, H2SO4 भी ले सकते हैं, डाइल्यूट लीजिएगा। मैंने इसको यहां ऐसे इंजेक्शन में ले लिया है सिरिंज में और मैं इसको यहां डाल रहा हूं। देखिएगा ये देखिए, ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये गैस निकल रही है। देखिए आप ये डाइल्यूट HCl हमने जिंक के टुकड़ों के आसपास, आप देखिए ये बुलबुले, देखिए जिंक के टुकड़ों के आसपास, तो जिंक के टुकड़ों के आसपास जब ये बुलबुले आप देख रहे हैं तो ये हाइड्रोजन गैस है। और परख नली देखिए यहां छूने से गर्म भी हो रही है, ये गर्म हो गई। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन भी हुआ है, मतलब ताप बढ़ा है और ये हाइड्रोजन गैस देखिए आप ही निकल रही है। चलिए एक प्रयोग में हम और इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए एक हम कुछ मोटा कांच का बर्तन ले लेते हैं और इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि यहां इसमें ये हाइड्रोजन परॉक्साइड H2O2 ले लेते हैं। आप एक मोटी परख नली में भी इसको ले सकते हैं और H2O2 लेने के बाद में आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें, देखिए क्या होगा। KMnO4, देखिए देखिए ये ऑक्सीजन गैस निकलती है और यहां भी पात्र क्या हो रहा है, गर्म हो जाएगा। इसको आप छुएंगे तो ये पात्र यहां भी क्या हो गया है, गर्म हो गया है। तो आप इस तरह से परख नली में ये एक मोटी परख नली लेकर भी इसको आप कर सकते हैं। इस प्रकार हमने दोनों प्रयोगों में एक बात देखी है, चाहे वो प्रयोग यहां किया हो चाहे वो प्रयोग हमने जिंक के टुकड़ों के साथ किया हो, हमने देखा है कि परख नली गर्म हो जाती है, मतलब क्या हो रहा है कि गैस निकलने के साथ साथ ताप भी बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन होता है, रंग आ भी सकता है, रंग जा भी सकता है। देखिए हमने यहां ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिनाक्लीन के साथ इसको करके देखते हैं। देखिए हमारे पास में फिनाक्लीन है, ये इस परख नली में हमने ले लिया है फिनाक्लीन और यहां ये हमने इस परख नली में ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस फिनाक्लीन में मिला रहा हूं। देखिएगा देखिए रंग परिवर्तन हुआ है, तो रंग परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया में प्रेसिपिटेट अर्थात सॉलिड प्रोडक्ट अलग हो जाता है। देखिए ये हमारे पास में है बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, इनके विलयन लेंगे और इन्हें आपस में हम मिलाएंगे। देखिए ये कॉपर सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड, अब मैं बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट में मिला रहा हूं। आप देखिएगा कि बेरियम सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट है वो अलग हो जाएंगे, व्हाइट सफेद, ये देखिए ये जो आपको सफेद प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये किसके हैं, ये बेरियम सल्फेट के। ये देखिए ये सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो अलग हो जाता है। अब हम देखते हैं एक और चीज, अवस्था परिवर्तन। देखिए ये मेरे पास में यहां मोम है, मोमबत्ती, और मैं इसको यहां जला रहा हूं। देखिए जलाने से ये मोम जो है ठोस है और जलाने के बाद क्या होगा, देखिएगा जलाने के बाद मोम को जब हम जलाते हैं तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मोम क्या है, ठोस, पानी क्या है, द्रव, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्था परिवर्तन भी होती है। धन्यवाद।